राधे राधे देवी और सज्जनों, स्वागत है तुम लोगों का एक और न्यू माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज वीडियो पर। तो देखो, मैं कल इधर ऑफलाइन बैठ के थोड़ा काम कर रहा था मेरा कसल का, तुम लोगों को जो पता है मैं कसल बना रहा था, तभी मेरे मुंह के सामने आके एक क्रीपर फूट गया। ठीक है, ये देखो, मैं उधर सोने जा रहा था भाग के, क्योंकि रात हो चुका था, मेरे मुंह के सामने आके एक क्रीपर फूट गया। मैं उधर से उधर मर गया था मैं एक बार, फिर मैं इधर फिर से रिस्पॉन हुआ था, फिर से एक जॉम्बी आ गया तो मैं इधर से बाहर निकल गया। और उस साइड वो जो देख रहे हो वो देखो, इधर अभी भी एक स्पाइडर है, तो उधर एक और छेद हो गया। मैं अपना बेड यहाँ से उतर ले जा रहा हूँ, मैं कहीं और जाके घर बसा लूँगा, लेकिन इधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर मेरा सब कुछ तोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा तो दिल ही टूट गया एकदम से। तो देखो, क्रीपर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत है, अब क्रीपर को इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा हूँ मैं एक पहले क्रीपर फार्म बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा, लेकिन पहले क्रीपर फार्म होगा, उसके अंदर क्रीपर खुद ब खुद स्पॉन होगा और जल के मर जाएगा। और बाय द वे, क्रीपर मरने से हमें ही फ़ायदा होता है, क्योंकि क्रीपर अगर मरेगा तो हमें गन पाउडर मिलेगा, और गन पाउडर से हम फायरवर्क्स बना वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो शुगर केन का फार्म है उधर छोटा सा, बाद में मैं वो फार्म भी बड़ा कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। और मैं तो बेड इधर लगा दिया, तो कुछ कुछ काम का चीज़ इधर है, मैं उन सब को लेके, और तुम लोगों को पता है मैंने वो जो पिलर टाइप बनाया था कसल का, उसके भीतर भी मेरा एक चेस्ट था जिसके अंदर बहुत कीमती सामान थी मेरे, वो सब गया, सब के सब गया क्रीपर फूटने के साथ साथ। और तो चलो, मैं इधर से क्राफ्टिंग टेबल लेके जाता हूँ, बाकी का सामान मैं बाद में धीरे धीरे करके ले जाऊँगा, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्राफ्टिंग टेबल ही ले लेते हैं हम लोग। चलो, बस क्राफ्टिंग टेबल आ गया मेरे हाथ में, और इधर तो ये चीज़ तो एकदम खाली है, देख रहा था, तो थोड़ा स्टोन भी मैंने ले लिया, क्योंकि स्टोन का ज़रूरत पड़ेगा, जब हम कुछ टूल्स वगैरह बनाएंगे तो हमें स्टोन की बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो मैंने स्टोन्स भी ले लिया। अभी हम इधर जाएंगे और इधर क्राफ्टिंग टेबल को रख देंगे, रख कर अभी के लिए सो जाएंगे, क्योंकि रात हो रहा है। रात होने पर देखो, अभी मुझे मरने के कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा सब लेवल भी गया जितना था और मेरा सब कुछ गया। तो चलो, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग हो चुका है। तो आज है वो दिन, वो शुभ घड़ी आ चुका है जिस दिन हम क्रीपर को मारने के लिए क्रीपर फार्म बनाएंगे। हम इसको क्रीपर मेध यज्ञ कह सकते हैं, जैसे पहले ज़माने में होते ना अश्वमेध यज्ञ, ऐसे टाइप के क्रीपर मेध यज्ञ भी होगा आज। तो इसके लिए मुझे एक थोड़ा प्लेन जगह चाहिए, तो प्लेन जगह तो नीचे, पहले थोड़ा स्टिक्स ले लेते हैं। ओ वेरी गुड, इधर से ही एक बार में मुझे दो स्टिक मिल गया, क्योंकि देखो पहले मुझे एक शॉवेल बनाना पड़ेगा, नहीं शॉवेल, हाँ पहले एक शॉवेल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एक एग्स भी चाहिए, कुल्हाड़ी भी चाहिए एक। पहले एक काम करते, पहले एक एग्स ही बना लेते, शॉवेल बाद में बनाएंगे हम। शॉवेल शायद मेरे चेस्ट पे होगा, एक शॉवेल मेरे चेस्ट पे होगा, तो पहले एक एग्स बना लेते। हो गया मेरा स्टोन, नहीं सॉरी, मैंने तो शॉवेल ही बना दिया अभी यार। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, मैं शॉवेल का काम ही पहले कर लेता हूँ, एग्स का काम बाद में हो जाएगा, एग्स ले आएंगे। एग्स भी मेरे पास है, हाँ, अभी याद आया मेरे को, एग्स मेरे पास एक है, वो मेरे उधर के जो चेस्ट है उनके उसके अंदर एग्स होगा। तो इधर मैं एक 8x2 का छोटा सा गड्ढा खोद लिया, ये देखो 8x2 नहीं, सॉरी 4x2 ये है, एक्चुअली ये टोटल 8 ब्लॉक है ना, तो इसीलिए मैंने 8x2 बोल दिया, लेकिन ये 4x2 का एक छोटा सा गड्ढा है, और इस ये सेंटर में रहेगा, इसके साइड से हम फार्म बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए कुछ लॉग, ठीक है, लॉग तो इधर से बहुत मिल जाएगा, क्योंकि इधर एकाशिया का बायोम है, पेड़ की कोई कमी नहीं है इधर, तो हम ले आते एक्स, मेरे उधर एक्स है, तो चलो मुझे, हाँ उधर होना चाहिए एक एक्स, देखते हैं।
ये क्रीपर लोगों ने मेरा सब कुछ खा लिया। ये रहा एक एक्स है, मैंने बोला ना इधर एक एक्स होना चाहिए, तो एक्स है एक मेरे पास। तो अभी हम काटेंगे पेड़ और फिर उस लॉक से ही हम बनाएंगे फार्म। सिंपल सी बात है। हाँ मैं स्टोन का भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लॉक का बनाना है क्योंकि एकाशिया का पेड़ है ना, ये वो रेड रेड कलर का होता है ये इसका लॉग। हाँ मैं ये रॉ आई मीन इसको हम स्ट्रिप कर देंगे, छील देंगे लगाने के बाद, तो इसका वो रेड रेड कलर का उड़ आएगा, वो अच्छा लगता है मेरे को। तो काट लेते हैं हम थोड़ा। तो हम इधर से लॉक को लगाना शुरू करेंगे, ऐसे एक हो गया, दो, तीन, चार। तो इसको हम एक स्क्वायर बनाएंगे, आई मीन इसके ऊपर भी हम एक ब्लॉक करके लगाएंगे, जैसे एक, दो, तीन, और मेरा लॉक ख़त्म हो गया। मुझे फिर से एक पेड़ काटना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से जाके पेड़ काट के ले आते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक स्क्वायर टाइप इधर बना दिया, और अब मैं इसको स्ट्रिप कर दूंगा। ये देखो इसका ये रेड रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ऊंट का ही बना रहा हूँ ये फार्म। स्टोन का भी बना सकता है, मेरे पास ढेर सारा कोबल स्टोन है। तुम लोगों को पता है मैं पहले माइनिंग पे जाता था, तो मुझे बहुत सारे कोबल स्टोन एंडसाइट ये सब मिला था, तो उनका भी मैं बना सकता, लेकिन मैं सोचा कि उठ का ही मैं बना दूंगा। तो ये तो हो गया इसका एक साइड, तो ये दूसरा साइड भी हम ऐसे ही करेंगे उड लगा के। डन। तो ये हो गया दोनों साइड का, ये हो गया। ये दो ब्लॉक का ही हाई रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो और भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकता है इसके अंदर। तो मुझे ये मॉब फार्म तो नहीं बनाना है, आई मीन एक्सपी फार्म तो नहीं बनाना है, तो इसीलिए ये बस क्रीपर फार्म होगा गन पाउडर के लिए। तो इसीलिए मैं दो ब्लॉक का ही हाइट रखूँगा। और देखो अब ये जो मैंने स्क्वायर बनाया, इसके कॉर्नर से मैं इधर से जैसे ये स्क्वायर के कॉर्नर से मैं चार ब्लॉक तक आगे जाऊंगा, और उसके बाद हम हाँ ऐसे ही चार ब्लॉक हम आगे जाएंगे। अब उस कॉर्नर को भी मैं पहले कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक ही है, इतना ठीक है। अब इस कॉर्नर को भी मैं कर लेता हूँ, जैसे एक, और फिर से मेरे पास ख़त्म। तो ठीक है, मैंने उस कॉर्नर पे भी वुड लगा लिया था। अब देखो मैंने जो ये कॉर्नर का जो लास्ट ब्लॉक था उसके आगे मैं सिक्स ब्लॉक ऐसे सामने तक ले जाऊंगा। देखो ऐसे छह ब्लॉक सामने तक ले जाएंगे, और फिर इन दोनों हेड को हम जोड़ देंगे, ऐसे वुड से ही जोड़ेंगे, क्योंकि मैं पूरा फार्म वुड का ही बना रहा हूँ। तो ऐसे वुड से हम जोड़ दिया पूरा, वो ख़त्म। फिर से देख रहे हो ऐसे होगा।
हो गया। तो ऐसे मैंने दो जो हेड है इसका जोड़ दिया, तो ये एक साइड हो गया। ऐसे ही हम ये दूसरा साइड भी बनाएंगे। तो ये देखो, ये ज़ोंबी अभी मुझे मारने के लिए इधर ट्राइडेंट उठा के रखा है। तो इसके ऊपर हम चढ़ जाते हैं और इसको कॉर्नर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, ज़ोंबी गायब हो गया। शायद एक ट्राइडेंट मार देता तो मैं मर जाता। ट्राइडेंट का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो देखो, मैंने ये दोनों साइड ही कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा। जैसे इस साइड मैंने बनाया था वैसे ही मैंने ये दूसरा साइड भी बनाया, एकदम सेम टू सेम। तो ये हो गया मेरा फार्म का पूरा एक स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करूँगा, इन पूरा पूरे जो फार्म का है, ये सब दो ब्लॉक का हाई करूँगा मैं। हो गया, ये पूरा फार्म मैंने दो ब्लॉक तक हाई कर दिया। अब क्या करना है, अब जो करना है मेरे को कुछ, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैप डोर। मुझे कुछ ट्रैप डोर बनाना है, लेकिन उसके पहले मैं इन सबको स्ट्रिप कर देता हूँ। और स्ट्रिप हो भी गया स्ट्रिप करना मेरा पूरा का पूरा। मैंने वो पार्ट पूरा काट कर दिया क्योंकि बोरिंग सा था, इसीलिए मैंने कट कर दिया। तो अभी देखो मुझे उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप डोर बनाना पड़ेगा। और ट्रैप डोर की रेसिपी क्या है मैं भूल चुका हूँ। एक कुल्हाड़ी भी चाहिए था मेरे को, तो मैंने बना लिया उसको भी। तो पहले थोड़ा लॉग तो ले आते हैं, फिर ट्रैप डोर बनाएंगे। एक ऊट फार्म भी हम बनाएंगे बाद में कभी। तो देखो, अभी मैं इधर आया था इस साइड को, इसको लेने के लिए, इसको क्या कहते हैं, फिशिंग रॉड को लेने के लिए मैं इधर आया था। तो मुझे थोड़ा फिशिंग में करना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा फिश चाहिए। और फिश किस लिए चाहिए तुम लोगों को पता चल जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा वेट कर लो, मैं थोड़ा फिशिंग कर लेता हूँ। ओके, मुझे एक मछली मिला। इतना देर तक पानी में रॉड डाल कर रख क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो, गुड मॉर्निंग हो चुका है। थोड़ा फिशिंग ही करते हैं पहले क्योंकि मुझे, वो देखो उधर ज़ॉम्बी। तो मेरे पास अभी के लिए 9 और इधर 3, टोटल 12 मछली आ चुका है। लेकिन देखते हैं थोड़ा और मिलता है कि नहीं। तो इसके बाद हम जाएंगे विलेज पे कैट को टीम करने के लिए। तो चलो जाते हैं विलेज पे। इधर 10 और उधर 3, 13 मछली हो गया। तो इससे हो जाएगा कैट टीम। मुझे वहाँ से बस दो कैट को टीम करके लाना है इधर साइड को। और देखो इधर बारिश हो रहा है, लेकिन इस साइड जाओ तो बारिश रुक जाता है। और तो मैंने दो कैट को टेम करके ले आया। मैं वो पार्ट भी कट कर दिया क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत लंबी प्रोसेस है इस कैट को टेम करना, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। उस वो जो विलेज है मेरा, तुम लोगों को पता है उधर के साइड जो
डिजर्ट वाला विलेज है ना उधर, छोटा सा विलेज है ना, तो उसके अंदर बस एक या दो कैट ही थे। उसके लिए मुझे बहुत ही ढूंढना पड़ेगा इन दोनों कैट को, और फिर जाके मैंने इसको टेम कर पाया। अभी ये बिल्ली कहाँ गया? अरे रुक, ये बच्चा बिल्ली मुझे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बैठ जा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्ली, इस बिल्लियों को इसके अंदर रखेंगे। तो उसके पहले हमें थोड़ा ट्रैप डोर की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम जा रहे हैं ऊँट तोड़ने के लिए, आई मीन पेड़ काटने के लिए। तो मैंने थोड़ा लॉग कलेक्ट किया है, आप देखते हैं इससे ट्रैप डोर कैसे बनते हैं। मुझे ट्रैप डोर का रेसिपी, ट्रैप डोर तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ये रहा ट्रैप डोर। अच्छा तो दो ट्रैप डोर के लिए मुझे 6 प्लैंक की ज़रूरत पड़ेगा, दो के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास 8 ट्रैप डोर है, और मैं ट्रैप डोर को लगाना शुरू कर देता हूँ। इधर से इधर एक स्टोन रखना पड़े, हाँ ये हो गया। तो ये हो गया फार्म पे ऊपर, हाँ, और उधर एक ज़ॉम्बी है, छोड़ो उसको, नहीं पहले इसको ही मार के आते हैं। रुक जा, अभी कहाँ जा रहा है, निकल निकल। क्या आया अभी, इतना नोटिफिकेशंस क्यों आते हैं इधर, निकल। ये लोग बहुत शोर मचाते हैं, ऐसे शोर पे आके शोर मचाते हैं ये लोग बहुत। तो मैंने इधर से ट्रैप डोर को हम ऐसे ही लगाएंगे, क्राउच होकर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैप डोर नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे ही हम ट्रैप डोर्स को लगाएंगे सब के सब। इधर 4 हो गया, बाकी 2 लगाता हूँ, फिर पूरा कंप्लीट करके मैं तुम लोगों से मिलूँगा। तो ऐसे ही पूरा फार्म को मुझे ट्रैप डोर से ढकना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है। पूरा फार्म को मैंने ट्रैप डोर से कवर कर दिया। अब इसके अंदर क्रीपर स्पॉन होना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है ऐसे ही फार्म बनाते हैं। आ रहा, आ जा आ जा आ जा, इधर आ जा इधर आ जा। टकले पे एक धमाका करूँगा ना, हाँ ठीक है, चल निकल हाँ ठीक है, अच्छा, गुड बॉय निकल गया। ऐसी ख्वाब होना चाहिए। तो अभी देखो, अब बिल्लियों को हम रखेंगे, उसके लिए थोड़ा मुझे सेंटर का जो ब्लॉक है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर का ब्लॉक, अच्छा ये है, ये मार्क करके रख। तो ये सेंटर ब्लॉक नहीं, लेकिन मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना फार्म, तो इसीलिए मुझे मार्क करके चलना पड़ेगा। फिर से एक बार काउंटिंग कर लेता हूँ, ये ओके। तो ये 2 हो गया मेरा सेंटर ब्लॉक, ठीक है। तो अभी मैं इस फार्म को इधर से तोड़ देता हूँ, इसको भी तोड़ो, ये दोनों भी गया। इधर ऊपर जो ट्रैप डोर है उसको भी तोड़ना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो बिल्लियों को मैं नहीं ला सकता। शाबाश। तो इधर के इधर आ जा बिल्ली, आ जा भीतर, अंदर आ जा, चल मेरे साथ चल, काम है तुम लोगों के लिए। और मैंने मछली खिला खिला के ये बिल्लियों का संसार मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया।
अच्छा जल्दी जल्दी आगे अंदर आ जा, एक और को आना चाहिए था। कहाँ अभी कहाँ जा रहा है? देखो निकल गए भैया ये। हाँ आ जा आ जा, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो ये मैंने इधर दो बिल्लियाँ बैठा दिया, उधर भी मैंने दो बिल्लियाँ, क्योंकि सेंटर में दो ब्लॉक आ रहा था ना, इसीलिए मुझे दो दो करके बिल्ली लाना पड़ा। तो इधर के साइड मैंने दो बिल्लियों को बैठा दिया और उस साइड का काम अभी भी बाकी है। तो लेकिन मैं कहाँ है ये, इसको ये कहाँ से आ गया था, इसको मरना था पहले, तो इसको मैंने मार भी दिया। तो इधर को साइड भी मुझे दो, अभी वो कौन? अच्छा वो तो मेरा ही बिल्ली है जो उधर घूम रहा है, उसको ही बैठाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बाहर लाना पड़ेगा, नहीं तो क्रीपर स्पॉन नहीं होगा शायद, क्योंकि क्रीपर बिल्लियों से डरते हैं ना, ऐसे बिल्ली इधर उधर घूमेगा तो क्रीपर शायद स्पॉन नहीं होगा। तो बिल्ली को बैठने के लिए इधर भी एक ट्रैप डोर, इधर भी एक ट्रैप डोर, शाबाश। तो चल बिल्ली चल मेरे साथ, चल आ जा आ जा आ जा आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, ये देख मछली मिलेगा तेरे को, आ जा जल्दी जल्दी आ जा। तो इधर मैंने एक बिल्ली को बैठा दिया, एक लास्ट बाकी था, ये भी बैठ जा, बैठ गया, ये भी फंस गया मेरा जाल में। हाँ मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है, देखो ऐसे मासूम, अभी गिर जा, नहीं गिर, उधर गिरना नहीं बेटा, उधर नहीं गिरना। तो इसको मैंने इधर से बंद कर देता हूँ, अभी क्यों नहीं लग रहा है? हाँ हो, ओ शिट, ये तो स्ट्रिप नहीं था, ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसको स्ट्रिप कर देता हूँ। तो अभी के लिए तो ये काम हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी फार्म पे कुछ काम करना है, जैसे वो बीच में जो मैंने गड्ढा खोदा था ना, उसको थोड़ा और डीप करना पड़ेगा, और उधर मुझे कुछ वो लगाना, हॉपर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले एक ये फर्नेस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे काम है कुछ फर्नेस का, जैसे आयरन को पिघलना पड़ेगा। ओ पहले तो मुझे चारकोल चाहिए। देखो चारकोल का काम क्या है, मैं इस चारकोल से वो बनाऊंगा, कैंप फायर बनाऊंगा, तो इसीलिए चारकोल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ऊँट को जला के। चार उधर मेरे पास कोल था चेस्ट में, लेकिन छोड़ो इधर ऊँट भी तो बहुत सारे हैं ना, इससे ही चारकोल बना लेते हैं। कोल अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे फिर से माइनिंग पे जाना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, कोल फार्म ही बनाना पड़ेगा, जैसे वो केल्प का फार्म होता है ना, वो बनाना पड़ेगा, कोल फार्म तो नहीं होता। वो इधर थोड़ा पेड़ पौधे गिरे हैं, इसको ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ऊड ले लेते हैं चारकोल बनाने के लिए थोड़ा। तो ये मैंने प्लैंक और स्टिक बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास दो चारकोल हो चुका है, तो अभी मुझे कैंप फायर बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस कैंप फायर का रेसिपी क्या है, देखते हैं कैंप फायर का रेसिपी। ये रहा कैंप, ओ भाई कैंप फायर के लिए तो लॉग लगता है। अभी यार मैंने तो सबका सब प्लैंक बना लिया, फिर से मुझे वुड तोड़ने जाना पड़ेगा, अभी कितना मुश्किल है ज़िंदगी। अगर ऐसी लाइफ हमें रियल लाइफ में मिलता, बहुत बढ़िया होता। ले लेते हैं थोड़ा वुड, पूरा पेड़ ही काट देंगे। तो मैंने पेड़ को काट के बहुत सारे लॉग लाया, और इधर से मेरे पास दो कैंप फायर हो। अबे तू इधर क्या, ये पार्क है बेटा तुम्हारे का, तुम्हारा पार्क है ये, चल निकल जल्दी जल्दी निकल। तो मैंने दो कैंप फायर, दो, हाँ दो ही कैंप, ये देखो ये भी आ गया भीख मांगने के लिए। क्या यार ज़िंदगी का कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में। तो हम इधर से नीचे जाएंगे अभी के लिए, और इसको खोल के जाते हैं, ये खोलेगा तो हम नीचे गिरेगा ना। ज़ॉम्बी का आवाज़ मैंने सुना था इस साइड से।
नहीं, कोई नहीं है। तो मैं उधर गया था थोड़ा आयरन कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट मीन्स उधर मेरे चेस्ट के अंदर बहुत सारे आयरन ओर और आयरन का इंगेट पड़ा था, तो इसके लिए मैं गया था। और मैंने कुछ चेस्ट भी ले आया, चेस्ट ले आया नहीं, चेस्ट एक्चुअली मैंने बनाया था। उधर मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स थे तो मैंने उससे चेस्ट बनाया है। तो क्योंकि चेस्ट हॉपर बनाने के लिए मुझे चेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, और मेरे पास अभी 4 हॉपर हो चुका है। तो बाकी का आयरन को मैं इधर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ देता हूँ। रात भी हो चुका है, मुझे सोना चाहिए अभी, नहीं तो आ जाएगा वो लोग फिर से मुझे तंग करने के लिए। तो चलो सो जाते हैं मस्त करके। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ये भिखारी लोग अभी भी इधर है, छोड़ो इसको। तो देखते हैं मेरा सारे के, हाँ हो गया, सबके सब आयरन इंगेट हो आ गया मेरे पास। तो इधर से थोड़ा और मुझे हॉपर मिल जाएगा। ये गया एक, हो गया 8 हॉपर। मुझे एक्चुअली 8 हॉपर ही मुझे चाहिए था, तो ये भी हो चुका है। अब मैं नीचे जाऊंगा उधर से, और उधर भी थोड़ा गड्ढा डीप करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। क्रीपर तो नहीं है ना इसके अंदर, पता चला कि क्रीपर है और ये फूट गया मुझे देखकर, तब तो बहुत परेशानी हो जाएगा बेटा। चलो दरवाज़ा को, कौन सी दरवाज़ा खोलो, ये वाला दरवाज़ा ही खोल देते हैं। ये मैं आ गया नीचे, इसका करो बंद। ओके, ये वाला बिल्ली थोड़ा आगे आ चुका है ना, चलो इसको थोड़ा धक्का दे देते हैं पीछे की तरफ। चल पीछे जा, हाँ ठीक है। अब मैं इधर से खोदना स्टार्ट करूँगा। मुझे इधर से टोटल देखो, एक ब्लॉक तो मैंने खोद रखा था, तो और मैंने 4 ब्लॉक खोद दिया, टोटल 5 ब्लॉक का डीप है ये। तो अभी मैं इधर एक चेस्ट को प्लेस कर देता हूँ, और इस चेस्ट से मैं सारे के सारे हॉपर को कनेक्ट कर दूँगा। मैंने 8 हॉपर लाया था, तो मैंने 8 हॉपर को इधर कनेक्ट कर दूँगा इस चेस्ट के साथ। चलो बेटा शुरू हो जाओ काम पे। अभी क्या हो गया, ओ मुझे क्राउच करके करना पड़ेगा। 1 2 ये क्यों नहीं लग रहा है वे, और मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको तोड़ के लगाना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने सारे के सारे हॉपर इधर लगा दिया, और कैंप फायर को भी मैंने प्लेस कर दिया। और इधर मैंने एक छोटा सा रूम बनाया मेरे लिए, इस रूम को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये काफ़ी है, अब ऊपर के साइड जाते हैं रास्ता बनाते हुए। ये ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ी चाहिए। फिलहाल के लिए हम स्टोन लगा के ऊपर जाएंगे, और उधर थोड़ा कांच भी लगाना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं उधर जब एफ के रहूँगा क्रीपर मेरे मुंह के सामने आके ना फूट जाए। तो लेडर का रेसिपी क्या था, ओके मुझे स्टिक्स चाहिए 3 3 6 1 7, 3 लेडर के लिए मुझे 7 स्टिक की ज़रूरत पड़ेगा। तो हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारे प्लैंक है ना, तो स्टिक तो हो जाएगा। ये हो गया 3 लैडर, इसको पहले सेट करके आते हैं, फिर देखते हैं और कितना ज़रूरत पड़ेगा मेरे को। इधर से लगाना स्टार्ट करते लेडर को, 1 2
तीन ये तो हो गया, और भी दो चाहिए। ठीक है चलो ले आते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा, और भी एक लगाना पड़ेगा भाई यार। तो मैंने इधर डबल लेडर बनाया था ताकि ऊपर आने और जाने के लिए बहुत परेशानी है, क्या बोलते हैं, जल्दी हो सके, इजी हो सके ऊपर आना जाना, तो इसीलिए मैं परेशानी बोल दिया गलती से, मुझे माफ़ कर दो। ये आखिरी है, इसको लगाने के बाद हम इजीली जा सकते हैं नीचे, अब फिर से ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये है मेरे बिल्लियों का संसार। तो एक बार नीचे चल के देखते हैं क्या हाल है, क्या अभी नीचे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। इधर थोड़ा कांच लगाना पड़ेगा मेरे को, रुको मैं थोड़ा ग्लास का इंतज़ाम करके आता हूँ। क्या हो गया, अटक क्यों गया था मैं? तो ग्लास के लिए तो मुझे चाहिए सैंड, ये आबे रुक। तो मैंने इधर से सैंड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एक स्टैक कलेक्ट कर लेते, हो जाएगा इधर से एक स्टैक हो जाएगा मुझे लगता है। बहुत सारे सैंड है, उधर भी सैंड है। तो मैंने सैंड कलेक्ट कर लिया, तो अब सैंड को मैं इधर स्मेल होने के लिए रख देता हूँ, आयरन को निकाल देता हूँ क्योंकि आयरन की अभी ज़रूरत नहीं है। और सैंड स्मेल्ट होने के बाद कांच हो जाएगा और मैं कांच को उधर लगा दूँगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया एक, और एक चाहिए। तो मैंने इधर कांच को लगा दिया, अभी देखते हैं कि ओ इधर तो बहुत सारे गन पाउडर आ चुका है, 40 गन पाउडर। भाई फार्म तो काम करना शुरू कर दिया, शाबाश, आप क्रीपर की बैंड बज रहा है भाई। ऊपर जाके देखते हैं कोई क्रीपर, इधर तो नहीं दिख रहा है कोई भी। इधर एक स्टोन लगा देते, पता चला कि इधर से क्रीपर मुझे देख लेगा। हाँ मैंने इधर को सैंड लगा स्टोन लगा दिया, तो पता चला कि इधर से क्रीपर मुझे देख लेगा और क्या कुछ नहीं कर लेगा। थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं क्रीपर है कि, अबे ये देखो इधर तो एक क्रीपर है। हाय क्रीपर भाई, कैसे हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो बिल्ली से डर रहा है, ये बिल्ली से डर रहा है अभी ली, इसको डरा। अरे ये जा रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है मारने के लिए जा रहा है। ये गिर गया, जल्दी से नीचे चलो, जल्दी से नीचे चल। अभी क्या हो गया, नीचे चल, मुझे देखना है वो जल रहा है आग में, मेरे गुस्से के आग में वो जल रहा है। ये हाँ मर गया। अब बोल, मेरा घर तोड़ा था ना तुम लोगों ने, मेरा घर तोड़ा था। 41 गन पाउडर हो गया, अब देख कैसे लगता है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और तुम लोगों को कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल को, मैं उसको ऐसे तीर फेंक के मार दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ नहीं तो ऐसे तीर मार दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं एक अपना घर, ओ उधर एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी।